निफा की ओर से करनाल के गोल्डन मोमेंट में 20वां रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आपको बता दें कि निफा की ओर से अपने 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में 20 रक्तदान शिविर लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें युवाओं ने अब तक बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसी कड़ी में आज करनाल के गोल्डन मोमेंट में 20वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया एवं इन रक्तदान शिविरों में रक्त देने वाले रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि इस बार निफा की ओर से कोरोना महामारी एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसमें भारी उत्साह देखने को मिला। यहाँ हम आपको बता दें कि निफा समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। इस अवसर पर लाजपत राय चौधरी, बड़ी संख्या में निफा के सदस्य मौजूद रहे। आज निफा का 20वां रक्तदान शिविर है। संस्था की स्थापना के 20 साल पूरे होने पर हमने घोषणा की थी कि करनाल में हम लोग 20 दिन लगातार शिविर लगाएंगे, पूरे देश में 2 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा करेंगे और 20 लाख पौधे लगाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ये 20वां शिविर है और पहले शिविर जो 20 सितंबर को नीलोगढ़ी से शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक करनाल जिले के लगभग हर हिस्से में हम शिविर लगा चुके हैं। हर शिविर में लोगों का भरपूर उत्साह मिला है और आज ये आप जो लास्ट शिविर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइन टूट ही नहीं रही, सारे के सारे बेड भरे हुए हैं, लोगों को इंतजार करनी पड़ रही है अपना जो है रक्तदान करने के लिए। तो इतनी बड़ी तादाद में आज युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं रक्तदान करने के लिए। मैं हर रक्तदाता का दिल से आभारी हूँ, करनाल वासियों का दिल से आभारी हूं और हर उस साथी का, चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे हमारे पैटर्न लाइफ मेंबर हों या अलग अलग शिविरों के हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हों, जिन्होंने सहयोग देकर 20 के 20 शिविरों को सफल बनाया है, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज ये जो 20वां रक्तदान शिविर है, ये 2 बजे तक चलने वाला है और मैं समझता हूँ कि ये शिविर बहुत सफल होने वाला है। तो मेरा यही है कि मैं सभी करनाल वासियों से आग्रह करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें। ये 20 दिन के शिविर आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन रक्तदान आगे भी चलता रहेगा, तो आगे भी हम लोग रक्तदान करेंगे और जो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो रक्तदान करने के लिए आगे आए और खुद भी करें, औरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। 20 दिन में आपने जो कैंप लगाया, इसमें कितने यूनिट्स आपने कल जो 19 शिविर रहे थे उसमें 1000 को हम क्रॉस कर चुके थे, आज 1100 क्रॉस कर जाएंगे, तो ये 20 दिनों में 1100 से ज्यादा यूनिट जो है वो इकट्ठा होगा। कैसा महसूस कर रहे हो सर? अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। जब हमने लिखा था तो कई लोगों ने कहा था कि ये पन्नू जी टफ हो जाएगा, क्योंकि एक संस्था जब एक रक्तदान शिविर लगाती है उसके लिए 15 दिन 20 दिन मेहनत करती है, तब जाके 50 से 100 रक्तदाता आगे आते हैं, तो ये आसान काम नहीं है। और आप 20 दिन लगातार कर रहे हो, ये ना हो कि टीम जाए और वहाँ 5-5, 10-10 यूनिट रक्त इकट्ठा हो और उनको जो है मायूस होकर वापस लौटना पड़े। पर मैं करनाल के लोगों का धन्यवादी हूँ, हमारी उम्मीद से ज्यादा सहयोग दिया, हमने दिल्ली की टीम भी बुलाई और दिल्ली की टीम तब तक नहीं आती जब तक अच्छी संख्या में रक्तदाता ना हो। तो दिल्ली रेडक्रॉस की टीम को भी हमने 103 यूनिट, 88 यूनिट, बड़ी संख्या में उनको रक्तदान दिया। और करनाल की जो टीम सिविल हॉस्पिटल की ब्लड बैंक की आई है या कल्पना चावला की आई थी, एक भी शिविर हमारा ऐसा नहीं रहा जिसमें हमारी ऑन एंड एवरेज 50-60 जो है वो संख्या ना रही हो। तो बहुत अच्छा सहयोग मिला, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अब और कुछ बड़ा करने की जो है मन में इच्छा जागृत हो रही है, कुछ और बड़ा करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।